के अंदर मैं अब अरबाज खान का ही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। इसके फिल्म के अंदर एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो मेरे पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे कि एक बॉलीवुड एक्टर की ज़रूरत थी और जो अब ही प्लेज हिमसेल्फ। मुझे जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब ये आए मुझसे मिलने के लिए और कहीं ना कहीं मुझे, मैंने भी सवाल पूछा, मैंने बोला इस फिल्म का टाइटल जो है ये कहीं इस जो श्रीदेवी जी के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उससे कुछ ताल्लुक रखता है? उन्होंने बोला उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ देर इज़ नो रेलिवेंस टू दिस थिंग। और हमने ये फिल्म जो है यही टाइटल के साथ बहुत पहले रजिस्टर की थी, तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हमने ये टाइटल भी चेंज कर दिया फिल्म का या कैरेक्टर का नाम चेंज किया, इस फिल्म की इसका टाइटल और इसका कैरेक्टर पहले से था। एंड विच दे टोल्ड मी दैट दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, इट इज़ इट्स मच डन बिफोर। आई वाज टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई सेड यू नो लाइक आई फॉर मी टाइम हैज पास्ड बाय, मे बी देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क हार्ड और नॉट वर्क हार्ड, मे बी राइट नाउ आई एम डूइंग मच मोर देन व्हाट आई डिड मेनी मेनी इयर्स बैक, बट डोंट grab the opportunity and work hard if it means as an actor, you know, learning how to dance or to act, do workshops, improve the way you're looking, just do all of it because this moment will not come back. So, and I said, please don't mind me giving you this advice because the first time I'm like working with you or meeting you. And she said she was more than happy because obviously she considers me to be a senior actor, somebody with experience, so giving her that kind of like advice was working for her. Well, दबंग की शूटिंग जैसे कि आपको पता है चल रही है, वी आर इन अ वेरी लॉन्ग स्केड्यूल, हमारी ऑलमोस्ट 60% फिल्म खत्म होगी एंड वी आर राइट नाउ ऑल्सो शूटिंग फॉर द फिल्म। होपफुली बाय सेप्टेम्बर एंड वी वुड हैव रैप्ड अप द एंटायर शूटिंग ऑफ द फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिलीज इन डिसम्बर एंड। Actually, I think more of the directors and producers concerned, because the character which they've given me, I'm just portraying it. So I think it was not our agenda to hurt anybody's personal feelings or anything. It's just the second day of shoot with him, so we are all watching him do fight scenes and all. So we are all very excited to, you know, share the screen with him. I've actually signed a second movie in Hindi which is called Love Hackers. So that's about cyber crime. So definitely agar acche projects aate hain to why not?